वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। और तो दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 अनाउंस तो किया था कुछ ही दिनों पहले, तो उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी बोला था कि विंडोज 11 में आप एंड्रॉयड ऐप्स को चला सकोगे, पर वो उस समय पॉसिबल नहीं था जब वो लॉन्च हुआ था। पर अब ये फाइनली रोल आउट करना शुरू हो गया, इसका फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल गया है। तो वो कैसे आप ही ट्राई कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि हाँ, आप लोग सोचो यार, कोई भी एंड्रॉइड ऐप को पीसी में चलाने के लिए अभी एक एम्यूलेटर वगैरह की जरूरत पड़ती है, पर आप अब विंडोज 11 की मदद से आप बिना कोई एम्यूलेटर के डायरेक्ट मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओगे, वहां पे ऐप सर्च करोगे और डाउनलोड करोगे, बिना कोई एम्यूलेटर वगैरह झंझट वगैरह के डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि सच में बहुत ही अच्छी बात है। तो वो करने के लिए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अभी जो स्टेबल रिलीज है उसमें अवेलेबल नहीं है ये, ना ही रिलीज प्रीव्यू में। अभी ये बीटा जो लोग साइन अप किए हुए हैं बीटा के लिए, तो उन लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो बीटा वर्जन में साइन अप करना पड़ेगा, और बीटा वर्जन में साइन अप कर लोगे तब आप लोगों को अपडेट करना पड़ेगा अपना सिस्टम। अपडेट करने के बाद आप लोगों को प्ले स्टोर में सर्च करना है विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स और फॉर एंड्रॉइड वैसा करके कुछ रहेगा। तो वो सर्च करोगे तो दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा एक ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो वो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। और साथ ही में एक अमेजोन ऐप स्टोर भी डाउनलोड करना है, सेम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ही दोनों मिल जाएगा। और दोनों तभी मिलेगा दोस्तों अगर आपका लोकेशन जो है वो सेट किया हुआ है USA में, तभी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये अभी करेंटली सभी USA में रिलीज हुआ है। हो सकता है कि इंडिया में भी ये 2-3 दिन में आ जाए, तो आप 2-3 दिन बाद ट्राई कर सकते हो ताकि आप लोगों को इंडिया में बिना लोकेशन चेंज के भी मिल जाए। तो लोकेशन वगैरह चेंज करने के बाद बेसिकली आप लोगों को वो इंस्टॉल बटन मिल जाएगा। ऐप तो मिल जाता है इंडिया में अभी, पर इंस्टॉल बटन नहीं मिलता है, पर कुछ दिनों बाद वो भी मिल जाएगा अगर आप लोकेशन वगैरह चेंज कर दोगे। तो चेंज करने के बाद अगर आप दोनों ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो आप लोगों को अमेज़न के ऐप स्टोर को खोलना होगा और वहाँ पर आप लोगों को वो जो एंड्रॉयड ऐप्स है वो मिल जाएंगे। और दोस्तों, अभी करेंटली ये बिल्कुल आज फर्स्ट दिन है इस ऐप का, तो सिर्फ 50 ऐप्स अवेलेबल है अभी करेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है, पर फ्यूचर में ये बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा ऐप डालने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा बोला है। तो बहुत ही अमेजिंग ऐप आएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 50 ऐप है और वो भी गेम्स हैं मोस्ट ऑफ देम, तो ऐसा है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस में मतलब अपने पीसी में एंड्रॉयड चलाना पसंद करते हो कि नहीं। तो वह दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट में बताना अपने ओपिनियन इसी वीडियो के बारे में, मेरे बारे में। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन की रिप्लाई जरूर करता हूँ। और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ डालना, क्योंकि मैं लेटेस्ट टेक अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूँ, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों, हम लोग बहुत ही ज़्यादा करीब हैं 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप लोग स्क्रॉल डाउन करके देख ही सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।